मैं सोच रही हूँ कि अम्मा अब्बा और हाजिम के घर वालों को डिनर पे बुला लिया जाए। क्या ख्याल है? जरा बात आगे बढ़ाई जाए। चंगा है, आपकी अम्मी अब्बू हैं, आपके कार तो आना चाहिए उनको। हाँ, खैर तुम देख लेना यार कि क्या बनाना है। तुम्हारा भी घर है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हाँ हाँ सर, देखो भाई। आप ना बिल्कुल परेशान ना होना। आप ही आप मुझे बता देना क्या क्या बनाना है, मैं नूरी के साथ मिलके ना सब करा लूंगी। हाँ, मैं बस जैनी की खुशी का ख्याल रखना चाहिए और कुछ नहीं। जैनी को जो पसंद है हमारे लिए तो वही चंगा है ना, और हाजिम भाई तो हैं भी बहुत नाइस। शहर इतने भी कोई नाइस नहीं है। वो जरूरी नहीं है कि जो जैसा दिखे वो वैसा ही हो असल में भी। इसीलिए कह रही हूँ ना, जरा बुला के पूछो। अब जैनी की बात है तो पता लगे ना उससे भी कि प्लान्स क्या हैं उसके। जैनी और अलीना ना रोज फोन पर बात करते हैं, दोनों की ना आपस में बहुत बनती है। जैनी ना बहुत खुश रहेगी वहां जाके। अरे भाई, उन्हें बातें बनाने के अलावा और कुछ नहीं करना आता, इसीलिए तो कह रही हूँ उससे बुलाओ, उससे बात करो, फिर देखते हैं कि बात आगे बढ़ानी है, तारीख तय करनी है या नहीं। है ना उमर? उमर, सही है, शादियां हवा में थोड़ी ना होती हैं। तुम कॉल कर लेना ना हाजिम को। हाँ हेलो। जैसा आपको ठीक लगे। अब पिज्जा खाए ना, ठंडा हो रहा है। तुम खाओ पिज्जा। जहर हाँ क्यों रहे हैं? कुछ सही नहीं किया? पिज्जा पिज्जा, तुम पिज्जा बोलो। मीठा दूं? नहीं, मम्मी अब अपना आप को ठीक कर लीजिए ना। नहीं, मेरा जाना जरूरी क्यों है? तुम खुद चले जाओ, मेरा कोई बहाना बना। बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, ना मेरा ना शैनी का। ओहो, अम्मी उमर ने मुझे खुद इनवाइट किया है, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। मैं कोमल से पूछूंगा, खुद पूछूंगा। चलिए प्लीज। खैर करे,